हेलो फैमिली, तो क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। और आज की जो हमारी टॉपिक है गाइज, ये आपको जो है बिहार बोर्ड की मैट्रिक रिजल्ट के बारे में है। इसके बारे में हम आज कुछ बात करने वाले हैं गाइज, क्योंकि आज जो मैंने यूट्यूब पे सर्फ किया गाइज, तो मुझे ऐसा लगा कि आज से चार दिन पहले से, आज 26 तारीख है, जो कि आज ही अनाउंसमेंट होने वाली थी, आज ही जो है रिजल्ट रिलीज होने वाली थी गाइज। बट जब आज मैंने यूट्यूब पे सर्फ किया तो मुझे पता चला चार दिन पहले से जो है सबके सब यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि भाई ये रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट यहाँ से ये डाउनलोड करो, ऐसा कुछ मतलब मुझे देखने को मिला थंबनेल। तो गाइज मैं बता दूँ कि भाई अभी के टाइम में ना आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में पेरेंट्स से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी सर्फ कर रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब पे। तो गाइज अगर आप यूट्यूबर हो तो आप किसी भी स्टूडेंट को ऐसे मत भड़काओ भाई, ये मत बोलो कि आ गया है। हाँ, आप ये बता सकते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे, क्या करना है, कैसे चेक करना है, ये सब आप बता सकते हो। लाइक अभी मैं भी यही बताने वाला हूँ गाइज। मुझे पता है कि अभी जो भी वीडियोज़ देख रहे होंगे ये सब सारे स्टूडेंट्स होंगे। आई होप कि आप लोग की वीडियो, आप लोग की जो रिज़ल्ट हो बहुत ही अच्छी हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिज़ल्ट गाइस। क्योंकि जब मेरी भी आज से दो साल तीन साल पहले जो मेरी रिज़ल्ट आई थी गाइस, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था कैसे चेक करूँ। मैं भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा था, आप भी सर्च कर रहे होंगे जब मेरी वीडियोज़ आपको देखने को मिली है। तो अगर आप नए हो गाइस तो मेरी वीडियोज़ को जो है लाइक कमेंट ज़रूर करना और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि रिज़ल्ट जैसे ही आएगी, अनाउंसमेंट होगी, तो इंशाल्लाह आई ट्राई टू माय बेस्ट कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूं। और गाइस चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप, मैं जो आज बताने वाला हूँ गाइस, इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो है मैट्रिक रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हो। मैं आपको अभी कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं आपको जो है रिज़ल्ट चेक करके दिखाने वाला हूँ। सिर्फ मैं आपको कुछ लिंक मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप जो है गाइस चेक कर सकते हो। जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, जब भी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होती है, आप उस टाइम चेक कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। इनकेस आपको जो मैं लिंक बताने वाला हूँ, मे भी हो सकता है वो लिंक उस टाइम काम ना करे, तो आप ये मत सोचना कि मैंने जो बताया वो फेक है गाइस। ये फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियोस होगी जो कि मैं लाइव करके दिखाने की कोशिश करो, मैं लाइव करके नहीं दिखा पाऊँगा। अदरवाइज़ जितनी भी मेरी चैनल पे वीडियोज़ है गाइस, जितनी भी मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, जो भी मैं ऐप्स या वेबसाइट के बारे में मैंने बताया, सब मैं लाइव करके दिखाया हूँ। लेकिन ये फर्स्ट ऐसी वीडियोज़ होगी मैं लाइव करके नहीं दिखा रहा हूँ गाइस। लाइव करके दिखाने का मतलब ये है कि मैं ऑन द स्पॉट मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँ। तो गाइस अभी भी ऐसी कुछ वेबसाइट हैं जो कि अभी काम नहीं करेगा, कुछ ऐसे लिंक होंगे वहाँ पर अभी जब क्योंकि अभी जो है गाइस रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो अभी मैं कैसे चेक करके दिखा सकता हूँ। बढ़िया, मैं कुछ हिंट दे सकता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको जो गूगल या आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं, आप लैपटॉप या अपने फ़ोन में जब भी आप यूज करो, जहाँ भी यूज करते हैं गाइस, तो आपको जो नॉर्मली चेक करना है, सबसे पहले लिखना है बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। आपको जो है कुछ इस तरह से लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। आपको जो सबसे ऊपर में जो देखने को मिलेगा गाइस, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, आपको फर्स्ट वाले जो लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। आई डोंट थिंक ये लिंक ओपन भी होगा, बट इस पर आपको देखने को मिल जाएगा 101%। आप यहां से फर्स्ट चेक कर सकते हैं गाइस, यहां पर एरर आ रहा है, दिस वेबसाइट इंस्टॉल्ड इन द अनएक्सपेक्टेड एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो गाइस ये जो है जैसे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी तो ये वेबसाइट काम करना शुरू कर देगा। और गाइस मैं साथ ही साथ बता दूँ, इनकेस एट दैट टाइम आपके फ़ोन में अगर काम नहीं कर रहा है गाइस, तो मे भी हो सकता है आपकी, आप जो यूज कर रहे हो फ़ोन में यूज कर रहे हो, तो फ़ोन में जल्दी ये खुलता नहीं है, क्योंकि एट दैट टाइम जो है गाइस इसलिए नहीं खुलेगा, हो सकता है उस टाइम सर्वर डाउन चल रहा हो, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है अपने अपने स्टूडेंट्स का जो है रिज़ल्ट चेक करने में लगे होते हैं, तो उस टाइम जो सर्वर डाउन हो जाती है। हाँ, यू कैन चेक इट, अगर आपके पास हाई स्पीड नेटवर्क है तो आप चेक कर सकते हो। चलिए अब ये वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट की ओर लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे आप जो है 101% वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो है फ़िलहाल मैं लाइव करके दिखाऊँगा वो इंटर की जो रिज़ल्ट आई थी वो, मैं आपको किस तरह से अनाउंसमेंट हुई थी वहाँ पर मैं चेक करके भी दिखा सकता हूँ। वैसे हमारे पास अभी किसी का भी रोल नंबर रोल कोड नहीं है, लेकिन मैं आपको वो वाली ऑप्शन दिखा सकता हूँ जहाँ से आप जो है अपनी मैट्रिक रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो चलिए अब मैं वो उस वेबसाइट की ओर जाते हैं। तो आपको जो है नॉर्मली लिखना है सरकारी
सरकारी रिजल्ट आपको लिख करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो है गाइज आपको थोड़ा सा नीचे आना है, आपको देखने को मिल जाएगा सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। गाइज वेबसाइट आपको जो याद रखना है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो गाइज आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और ये वेरीफाइड वेबसाइट है जो कि आपको यहाँ पे जितनी भी सरकारी रिजल्ट हो या जॉब्स हो यहाँ पे सब कुछ अपडेट्स होता है। तो गाइज अब जो है आपको हम यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं ये जो आपको जो कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ लिंक्स हैं जो गाइज जो कुछ रनिंग रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट 2022 यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अगर आप रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, आप जूम करके देख लेना, रिजल्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे गाइज आपको देख सकते हैं रिजल्ट 2022 जो है लेटेस्ट रिजल्ट है UPSC का है, SSC का है, MP पुलिस है, IIT गेट है, UPSC। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड BSEB 12th रिजल्ट इंटर रिजल्ट 2022। उसी तरह सेम इसी तरह आपको जो है बिहार बोर्ड की मैट्रिक रिजल्ट का भी जो आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब जो है आप सोच रहे होंगे मिलेगा तो वो काम करेगा नहीं करेगा, तो गाइज अभी जो हमारे पास लिंक दिख रहा है 2022 इंटर की रिजल्ट की, हम उस पर एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं क्या ये काम करता है नहीं करता है। वैसे 101% मुझे मालूम है गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस पर मैं आपको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो गाइज आपको कुछ इस तरह से वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो है नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो गाइज आपको कुछ नीचे आने के बाद जो है गाइज आपको यहाँ पे कुछ लिंक देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स है। तो यहाँ पे देखने को डाउनलोड क्लास 12th इंटर रिजल्ट, तो अब जो है एक्टिवेट 3 PM का एक्टिवेट हुआ था, तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ और जो है गाइज फाइनली जो है मुझे देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर रोल कोड, इंटर रोल नंबर, उसके बाद कैप्चर डालने के बाद जो है आप अपना रिजल्ट देख चेक कर सकते हो। बट ये जो अभी 12th की रिजल्ट है गाइज अभी इसमें आप चेक मत कर लेना, ये इंटर मैट्रिक वाले की आई नहीं है। और अब जो मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ गाइज वो भी डायरेक्ट आपको लिंक बताने वाला हूँ मैं, जो आपको सर्च करना है रिजल्ट result.biharboardonline.com। आप जैसे कुछ इस तरह से सर्च करेंगे गाइज तो ये जो मैंने गूगल में डायरेक्ट सर्च करी है, तो आपको जो सर्वर मतलब ये क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है तो आपको जो है एक डायरेक्ट वेबसाइट आपको जो है एक होम पेज खुल जाएगी, उस होम पेज पर आपको क्लिक करके, लेकिन मैंने सर्च किया अभी दिस साइट कांट बी रीच्ड, लेकिन आपको ध्यान रखना है result.biharboardonline.com पे आपको सर्च कर देना है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं गाइज। आई होप कि आपको जो है कुछ जानकारी मिली हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और हाँ गाइज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि रिजल्ट जैसे आएगी मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा, आपको चेक करने की जो है लिंक भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को सेव कर लेना क्योंकि रिजल्ट आते ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है 2-4 वेबसाइट का लिंक आपको चेक करके, मैं जब तक चेक नहीं करूँगा तब तक मैं रिजल्ट की जो सॉरी लिंक जो है प्रोवाइड नहीं करूँगा। जैसे ही मैं चेक कर लूँगा तो आपको मैं वो लिंक जो है प्रोवाइड कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करके डायरेक्ट उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू एंड टेक केयर गाइज, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।